हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आपने नेल मेहंदी की वीडियो में कहा था कि हमारे नेल्स को तो भाई कलर ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, हमसे बना ही नहीं, जल गया, कैसे हो गया। तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं अपने नेल्स पे मेहंदी लगाऊंगी भी और निकाल कर भी बताऊंगी कि भाई कलर आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। और उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, मतलब फिर से मैंने बनाया है, तो जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने शेयर किया है। तो ये है वो कोन, नेल मेहंदी देख सकते हो, होम मेड कोन है, मतलब घर में बनाया है तो होम मेड ही। तो फिर इसको बना के कम से कम, क्योंकि मैंने पैरों में और सीधे लेफ्ट हाथ में लगा लिया था, 15 से 20 दिन हो चुका है इस मेहंदी को बनाकर। और होता यह है कि मैं बनाती हूँ, पैरों में लगा लेती हूँ, लेफ्ट हैंड में लगा लेती हूँ, सीधे हाथ में रह जाता है, क्योंकि वो काम का हाथ होता है तो जल्दी से मतलब लगाने मिलता नहीं है। और सीधे हाथ में कुछ लगा हो तो बड़ा इरिटेट सा फील होता है। तो मैंने सोचा इस बार सीधे हाथ में लगाती हूँ तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और आप जो कहते हो ना, इतना अच्छा कलर नहीं आता जितना आपके नेल्स पे आया है, तो वही मैंने आपको दिखाना था कि कलर बहुत अच्छा आता है अगर आप सही से बनाओगे तो, है ना। तो मैंने सारी डिटेल वीडियो आपके साथ में शेयर की है। बहुत आसान है, अगर बना मतलब आपको तरीका हो बनाने का तो बहुत आसान है। 5 मिनट में, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगता है बनाने के लिए। मैं ऐसे कुछ भी काम करते करते ही, मतलब खाना बनाते बनाते ही बना लेती हूँ, अगर मेरा मन हो तो बनाने का, जैसे हाथ में लगाना हो तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। वही कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तरीका हो तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, वरना आप बनाते जाओगे जलता जाएगा और फिर आपका अर्क नहीं बनेगा, तो आप बोलोगे कि यार बन ही नहीं रहा है, चल रहा है, ये हो रहा है। तो आप सही से बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए और देखिए और सही से बनाइए। तो मिलते हैं हम सुबह में, देख सकते हो मैंने हाथों में लगा लिया, ये थोड़ा सा सूख चुका है ना, बना के काफ़ी टाइम हो गया था ना, इसलिए मेहंदी थोड़ी सी सूख चुकी थी। ये सुबह का टाइम है, देख सकते हो, इसीलिए 2 उंगलियों में से नाखून की मेहंदी निकल गई। अगर ताज़ी होती है ना तो चिपकी रहती है, निकलती नहीं है सुबह तक। तो ये थोड़ी सी पुरानी थी इसीलिए निकल गई। पुरानी मीन्स कहा ना मैंने, 15 से 20 दिन हो चुका है, तो पुरानी आटा मिक्स है, आटा सूख जाता है लगा के रखते हैं तो। वरना अगर हम ताज़ी मेहंदी लगाएंगे ना, सुबह तक मॉइस्चर रहता है, और इसीलिए तो ताज़ी मेहंदी लगाने के बाद में नाखून में हमारे बहुत अच्छा कलर आता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है, जो अर्क रहता है सुबह तक रहता है, तो सुबह तक हमारे नेल्स में अच्छा खासा कलर आ जाता है। तो देखा आपने, एक बार में ही इतना अच्छा, इतना प्यारा कलर आया है। तो देखिए, है ना, तो आप इसे दोबारा बनाइए, बन जाता है, बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़, और बनाइएगा ज़रूर।